दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस ये वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों 64 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयान सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली जे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली डीजे डी अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली ने अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अयान ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जोहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिया डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजी डीजे डी अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में आयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजी ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबैक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में आयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजी ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर एंजॉय करनी है आपको आप मूवी तो का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी का पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक, एक और इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयन और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजी ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी, ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो हज़ार में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अन और अलीजे के बीच एक डिस्को में सयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिय डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजी ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिए डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजी ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अयन हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिए डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजे डीजे डी अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अयान हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में अन के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने अन को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अया ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी का पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयान सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबैक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिए डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद छः भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है <ammo> आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबैक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजे डीजे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो हजार में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयन और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो हज़ार में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अन और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अने लिसो डिसुजा के साथ और अलीजिया डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजी डीजे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे स्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक और मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयान सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसोजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अलीजे डीजे अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयन समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस ये वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयान सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अन लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अनान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली जे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली डीजे डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे सवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली ने अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अयान हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजे डीजे डी अली के साथ जाने का फ़ैसला करती और इसलिए अनजाने मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अया ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसोजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अलीजे डीजे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अलीजे ने नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे स्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में मेंान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी नेान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठाईस अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल दो हज़ार में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों 64 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसोजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं आयान अली से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अली अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे स्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक और इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों 64 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी, भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्त है। तो दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेशबेक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजिए डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अय हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी के डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता डेब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक ओवरज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और, की और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लैशबैक में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अयान लिसो डिसूजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो सुलह करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे सवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अय हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अलीजे से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी ए दिल है मुश्किल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 28 अक्टूबर 2016 में रिलीज की गई रोमांस एंड म्यूजिकल मूवी मुझी ए दिल है मुश्किल जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों करण जौहर जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं इन्होंने मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है साल 2016 दो में दोस्तों मूवी रिलीज की गई और आज भी मूवी का चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा ऐश्वर्या राय बच्चन फवाद खान आलिया भट्टी लिसा हेडन इमरान अब्बास नकवी अनुष्का अरोड़ा अमृता देब आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों दो घंटे अड़तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक और इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से आप पाँच पॉइंट आठ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों सिक्सटी फोर परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको बिल्कुल भी, भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ते लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और दोस्तों ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों फिल्म की शुरुआत अयन सिंगर के साक्षात्कार से होती है जो एक गायक है जिसने हाल ही में अपने गैर फिल्मी गानों से प्रसिद्धि प्राप्त की है वे फ्लेश में अपने प्यार के अनुभव की कहानी बताता है कुछ साल पहले लंदन में अयान और अलीजे के बीच एक डिस्को में सहयोगवंश मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए वे एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त बन जाते हैं बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उनके संबंधित साथ ही उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वे अपने प्रेमियों से अलग हो जाते हैं अने लिसो डिसोजा के साथ और अलीजे डॉक्टर फैसल खान के साथ और दोनों एक सप्ताह साथ बिताने के लिए पेरिस जाते हैं अयान अलीजे से प्यार करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता क्योंकि वे उसे केवल एक के दोस्त मानती है एक दिन अलीजे अपने पूर्व प्रेमी डीजे अली से टकराती है जो फुले करना चाहता है अली जी डी जे अली के साथ जाने का फैसला करती और इसलिए अनजाने में अयान के साथ घूमना बंद कर देती है और वे संवाद करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों बाद अली जी अयान को कॉल किया और लखनऊ में अली के साथ अपनी शादी में आमंत्रित किया ये सुनकर अने ने हिल गया लेकिन अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार कर लिया शादी में वे अली से कहता है कि वे उससे प्यार करता है लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती है जिससे अयान समारोह का दिल टूट कर छोड़ जा देता है दुबई जाने के लिए हवाई अड्डे पर वे सबा तलियार खान से मिलता है जो एक वृद्ध महिला और कवि है जो वियना के लिए रवाना हो रही है वे अन को सातवना देती है और उसे अपनी कविता और नंबर वाली एक किताब देती है अन उसकी कविता पढ़ता है और इससे प्रभावित होता है वे इसे तीन महीने बाद बताता है कि वे वियना में हैं और उससे मिलना चाहता है वे एक क्लब में मिलते हैं दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आप मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत